नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीएसटी पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, मोदी सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा जीएसटी। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, भारत में घुसे लश्कर आतंकवादी जम्मू कश्मीर और पंजाब निशाने पर। रूस में महिला रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, क्या आप ट्विटर पर हैं? सोशल मीडिया पर बना मजाक। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ी, पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने दर्ज की 3 प्राथमिकी। नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने की संभावना। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा वाहनों में नकली गैस किट, कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर नया आरोप। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक कैसीनो रिसोर्ट में हमला, 34 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से होगा बाहर, चीन ने इसे वैश्विक झटका बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग को लोकप्रिय बनाने के लिए योगी बने देशवासी। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स ने छुआ 31,322 का नया शिखर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के फिर अध्यक्ष बने डॉक्टर सीपी जोशी, ललित मोदी के पुत्र रुचिर मोदी हारे। रामचंद्र गुहा ने लिखी बीसीसीआई को चिट्ठी, एमएफ धोनी, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर पर उठाए सवाल। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।